ग्वालियर के नए बाजार में कांतानाथ एवं अम्बे ट्रेडर्स नाम की साड़ी दुकान में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में रखी लाखों रुपए की साड़ियां और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना चौकीदार ने फायर ब्रिगेड, पुलिस और दुकान के मालिक को दी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दुकान के ताले तोड़कर दो फायर ब्रिगेड पानी की फायर कर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे इस प्रतिष्ठान के संचालक दिनेश बादल ने जब दुकान का दृश्य देखा तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल ही परिवार के लोग एक निजी अस्पताल ले गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। शहर के नया बाजार में दिनेश बादल की साड़ियों की दुकान है। उनका काम थोक का है, इसलिए दुकान और गोदाम एक दूसरे से लगे हैं। अभी सहालक के चलते दुकान में कुछ दिन पहले ही लाखों रुपए का सामान भरा हुआ था। घटना कुछ इस प्रकार की है। बुधवार सुबह 6 बजे के लगभग दुकान के बाहर चौकीदार बैठा हुआ था। उसे दुकान के शटर के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। इसे देखकर वह समझ गया कि अंदर कहीं आग लगी है। उसने तत्काल ही दमकल दस्ता, थाना, पुलिस व दुकान के मालिक दिनेश बांदिल को सूचना दी। करीब 15 मिनट में फायर ब्रिगेड की टीम दो फायर ब्रिगेड के साथ स्पॉट पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दुकान के जैसे ही ताला तोड़ा तब तक अंदर चारों तरफ आग फैल चुकी थी। आग की लपटों के बीच फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पानी फेंकना शुरू किया। भीषण आग को देखते हुए एक गाड़ी को और भी बुला लिया था। दोनों गाड़ियां नेताबड़ तोड़ पानी फेंका तब जाकर 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नया बाजार अम्बे ट्रेडर्स पर थोक और खेरिज में साड़ियां की बिक्री होती थी। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर साड़ियां भरी पड़ी थी। यही कारण था कि आग और तेजी से दुकान में फैली, जिसको रोक पाना किसी के बस की नहीं थी। सहलग के चलते पिछले सप्ताह ही बड़ा स्टॉक मंगाया गया था, वह भी अभी दुकान में ही रखा था। फायर ब्रिगेड अधिकारी विवेक दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 6 बजे फोन पर एक साड़ी की दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग ज्यादा थी इसलिए दूसरी गाड़ी को यहां से रवाना किया गया। दो फायर ब्रिगेड की मदद से 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई। इस आग में दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुबह 7 बजे कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि ऐसे ऐसे है ना, क्या कहते हैं, साड़ी की दुकान में आग है लड्डू वाले के सामने। तत्काल है ना नियर बाड़ा सब फायर स्टेशन पर सूचना दी गई कि बोले यहाँ पर आग की सूचना मिली। तत्काल बाड़े की गाड़ी रवाना हुई और आग को बुझाने का प्रयास किया। वहाँ से सूचना मिली कि एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट और है, तो बैकअप के लिए यहाँ से फायर ब्रिगेड एक मुख्यालय से और रवाना की गई। आग को 1 घंटे में काबू, ताकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है।